आपको बताएं कि आसिफ जरदारी फवाद चौधरी की नाहली की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने तफसली फैसला जारी किया बतौर जज मुंत नुमाइंदों पर बाला दस्ती का दावा नहीं इस्लामाबाद कोर्ट की जानब से कहा गया बासठ वन एफ के तहत नााहली के गहरे असरात होते हैं पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसा का अपना मेकनिज़म बना सकती है तफसली फैसले में ये बताया गया है फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी इसी कोर्ट ऑफ लॉ से सज़ा याफ़्ता नहीं है और दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हकायक पर मांगी गई इस फैसले में ये कहा गया है मुतनाज़ हकायक का तायुन करने के लिए तहकीकात की ज़रूरत होती है तहक़ीक़ात के दौरान दोनों नुमाइंदों के सियासी मुखालफन फ़ायदा उठाएंगे फैसले में यह भी कहा गया है तहकीकत के बाद दोनों अहल भी करार पाएँ तो वो इनको हुए नुकसान का मदावा नहीं अदालतों के ऐसी तहकीक में पढ़ने से आवा का मंतख नुमाइंदों पर एतबार कम होता है अदालतों के इन मामलों में पढ़ने से आम साल का वक्त भी ज़ाया होता है